भाई साहब ये तो मक्खन की तरह सोल्डिंग आयरन को पिघल दे रहा है। तो हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज आपको दिखाने वाले इस तरीके का एक सोल्डिंग आयरन को आज अनबॉक्सिंग करके देखेंगे। तो दोस्तों इस सोल्डिंग आयरन को आप बहुत ही सस्ता प्राइस पे आप इसे परचेस कर सकते हो। दोस्तों चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं और इसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे ऑल पर भी सेट कर लेना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है एक सोल्डिंग आयरन। तो दोस्तों हमारा जो पुराना वाला सोल्डिंग आयरन वो ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा चलिए एक नया सोल्डिंग आयरन ले लेते हैं। तो दोस्तों चलिए सोल्डिंग आयरन को ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा पन्नी है। तो दोस्तों इसको हटा लेंगे तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो सोल्डिंग आयरन बहुत ही अच्छा है। वो आप देख सकते हो इसका जो आगे वाला शाफ्ट है कितना लंबा है। तो दोस्तों ये इसका बीट है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको भी निकाल सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा सोल्डिंग आयरन है। यहाँ पर देख सकते हो इसका टिप कितना लंबा है, वो बहुत ही सालों साल आपको जाएगा। तो दोस्तों इसका देख सकते हो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इस सोल्डिंग आयरन में। आप देख सकते हो इसका टिप कितना लंबा है। इसको चलिए लगा देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका वायर भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। तो दोस्तों चलिए वायर का भी जो ले वायर को निकाल लेते हैं। यहाँ पर दोनों वायर को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे टाइट से दिया है और अच्छा क्वालिटी का वायर भी है। और ये मार्केट से आपको बहुत ही सस्ता प्राइस में मिल जाएगा इसका वायर। आपको देख सकते हो इसका वायर हमारा 3 फुट का दिया हुआ है। और भाई साहब देख सकते हो ये 1 मीटर का वायर, ये अच्छा क्वालिटी का प्लग है। देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। और इसकी सोल्डिंग आयरन को चलिए थोड़ा हीट करके देखा लेते हैं और सोल्डिंग करके भी आपको दिखाएंगे ये वो कैसे काम करता है। और चलिए सोल्डिंग आयरन स्टैंड में रख लेते हैं और इस प्लग को कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें कनेक्ट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर एक रेड कलर का लाइट इंडिकेट हो रहा है, यानी हमारा जो सोल्डिंग आयरन अभी चालू हो सकता है। और ये देख सकते हो अंधेरे में आपको इस तरीके से ये सोल्डिंग आयरन इंडिकेट करेगा और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हीट होने के बाद हम सोल्डिंग आयरन देख सकते हो, सोल्डिंग आयरन को कैसे मक्खन की तरह पिघल दे रहा है और अच्छे तरीके से पिघल रहा है इस वायर। और अब देख सकते हो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कम टाइम में ये गर्म हो जाता है और ये ख़राब नहीं होगा। चलिए डीसी मोटर को सोल्डिंग करके देखते हैं। देख सकते हो इस डीसी मोटर को सोल्डिंग करने के बाद इसकी वायर कितनी ज़्यादा मजबूती है और बहुत ही अच्छा है। चलिए मोटर को थोड़ा टेस्टिंग करके आपको दिखा लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो इसका साउंड भी आप सुन सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे।